हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको हमारी इंडिया की सभी प्रेसिडेंट्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रेसिडेंट्स के रिगार्डिंग, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यू मस्ट नो ऑल द प्रेसिडेंट्स and about their life and about their work and achievements, and I will let you know from 1947 to 2020. So here we go. Dr. Rajendra Prasad was the first president of independent India. He was the longest serving president of India. वो 1952-1962 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। वो दो बार के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। He was also the president of Constituent Assembly of Indian Constitution and he was the prominent leader of Indian independence movement. He was awarded Bharat Ratna in 1962. अब जानेंगे राधा कृष्णन के बारे में। He was the second president of India. He held his office from 1962 to May 1967. He was a great scholar, teacher and philosopher as well. राधा कृष्णन जी ने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी चेंज लाए हैं। ही हैज रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन 1954। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो इंडिया का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। नाउ आई विल टॉक अबाउट वीवीगिरी। वीवीगिरी वॉज द फोर्थ नंबर प्रेसिडेंट। हिज फुल नेम वॉज फराहगिरी वेंकटा गिरी। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड डाइड इन हिज ऑफिस, सो दैट टाइम वीवीगिरी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ही टुक एज ए चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट एंड ही बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अब मैं बात करूंगी फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में। वो 1974 टू 1977 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। जो हम जब भी इमरजेंसी लागू होने की बात करते हैं तभी एज ए प्रेसिडेंट इनका ही नाम आते हैं इमरजेंसी को लागू कराने के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन हिज ऑफिस। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। वो साउथ इंडिया से है। नीलम संजीवा रेड्डी द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोस्ट। He was also known as the youngest president of India. उनका tenure भी note कर लेना, वो है 1977 to 1982 तक वो इंडिया की प्रेजिडेंट रहे थे। अब जानेंगे ज्ञानी जाले सिंह के बारे में। इनके बारे में सबसे बड़ी न्यूज़ ये है वो सिख कम्युनिटी की पहला प्रेजिडेंट रहा था। उनके टाइम पे काफ़ी इंसिडेंट हुई थी इंडिया में। द फेमस इंसिडेंट वॉज द असैसिनेशन ऑफ द इंदिरा गांधी एंड द 1984 एंटी सिख रायट्स। His tenure was from 1982 to 1987. अब मैं बात करूंगी आर वेंकट रमन के बारे में। आर वेंकट रमन वॉज द एट नंबर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आर वेंकट रमन प्रेजिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेजिडेंट भी थे। आर वेंकट रमन 1987 टू 1992 तक इंडिया के प्रेजिडेंट रहे थे। ही हैज़ रिसीव मैनी ऑनर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आर वेंकट रमन को राष्ट्रीय से भी काफ़ी अवार्ड्स मिला हुआ है उनकी काम के लिए। ही इज़ द रिसीवर ऑफ तामा पात्रा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब मैं बताऊंगी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। वो भी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट रहे थे पहले। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी टेन्योर थे 1992 टू 1997 तक वो इंडिया की प्रेसिडेंट रहे थे। द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन gave him the Living Legend of Law Award of recognition due to multi achievements in the legal profession. So Shankar Dayal Sharma ने काफ़ी बड़ा काम किया है लॉ में और वो बहुत फेमस लॉयर थे इंडिया के। I hope you are getting many information about our presidents. अब मैं बात करूँगी के आर नारायण के बारे में। के आर नारायण दलित कम्युनिटी का पहला प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। वो 1997 से 2002 तक इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू वोट इन लोकसभा इलेक्शंस एंड एड्रेस द स्टेट असेंबली।
अभी जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में सभी को पता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। इन हिज डायरेक्टोरियल रोहिणी 1 सैटेलाइट्स, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल वेयर सक्सेसफुली लॉन्च। द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वेयर सक्सेसफुली कंडक्टेड इन हिज टाइम। वो 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1997। डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 2007 से 2012 तक इंडिया की प्रेसिडेंट रही थी। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर भी थी। नॉट ओनली दिस, सी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू फ्लाई सुखोई एयरक्राफ्ट। नाउ आई विल टॉक अबाउट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे सेंटर की। ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड इन 1997। उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है और रिसेंटली 2019 को भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। वो 2012 से 2017 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। प्लीज़ ध्यान देना। रामनाथ कोविंद इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ फ्रॉम यूपी, बोर्न इन 1945। वो इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। उनके काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, उनमें से उन्होंने जुडिशियल कमीशन को लाया था करप्शन की केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ पे। आई होप आई हैव गिवन यू ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्रेसिडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Here is my qualifications. I have done MA in political science and also BEd. I have qualified NTA UGCNET in subject political science for assistant professor. I have been teaching in Delhi from last 3 years as a political science teacher and current affairs guide. Please encourage us to liking our videos and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you.